आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल विद वर्किंग प्रोफेशनल को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। आज क्लिपबोर्ड में हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले एक सिंपल डेटा छोटा सा बनाते हैं। देखिए छोटे डेटा में क्या होता है कि आपको जल्दी फर्क पता चल जाता है, छोटे डेटा में आपका जल्दी फर्क पता चल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर और यहाँ पे हम मार्क्स देते हैं, यहाँ पे हम कुछ नाम को ड्रैग कर देते हैं, वही जो मैं ड्रैग करने वाला सिस्टम बताया था उसी से। यहाँ पे रोल नंबर को फॉर्मूला बना देते सही रहेगा। और हम एक हमेशा एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैं आज से क्या हमेशा यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा, रैंड बिटवीन का। रैन बिटवीन का ये फॉर्मूला होता है रैंडम नंबर देने के लिए। हमने यहाँ पे लगाया रैन बिटवीन और रैन बिटवीन के बगल में हमने 90 दे दिया, तो ये 90 टू 90 की 10 और 90 के बीच में, 10 और 90 के बीच में जो एक कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे दे देगा और हर बार अपने आप को चेंज भी करेगा। जैसे मैं कहीं भी डबल क्लिक करूंगा चेंज होगा। मैं इसको यहाँ से बॉर्डर लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कुछ कलर भी दे देता हूँ। हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। हमने जैसे कॉपी किया और जहां मर्जी वहां पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल या सी या कंट्रोल भी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको आता ही है जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पेस्ट स्पेशल करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें कॉपी गई की गई एरिया में से पूरा का पूरा एरिया नहीं चाहिए होता है, हमें कॉपी की गई एरिया में से पूरा का पूरा एरिया नहीं चाहिए होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमारे पास ऑप्शंस है इसमें से आपको क्या पेस्ट करना है। पेस्ट जो फॉर्मूला कर दिया इसका फॉर्मूला पेस्ट होगा, मतलब कि अब फॉर्मूला में आप सोचेंगे सर या नेम और नीरज में कोई फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला का मतलब है कि जो आपके फॉर्मूला बार में विजुअल है, अगर डेटा है तो डेटा और फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, ओके। और रैन बिटवीन ने अपना काम किया और अपना नंबर चेंज कर लिया। अब यहां पे ये होता है कि कोई फॉर्मेटिंग या उसके अलावा कुछ नहीं देगा। दूसरा होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, पेस्ट एज ए वैल्यू, सॉरी पेस्ट तो कर ही रहे, मैंने पहला है पेस्ट एज ए फॉर्मूला और दूसरा है पेस्ट एज ए वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है कि वो जस्ट वैल्यू पेस्ट करता है, रिमूव द ऑल फॉर्मूला, तो इस सारे फॉर्मूला को रिमूव करता है और फिर पेस्ट करता है जी। तो अगर आपको कहीं से डेटा आया है और उसके फॉर्मूला को रिमूव करवा के पेस्ट करवाना है तो पेस्ट एज ए वैल्यू कीजिए, ठीक है जी सर। अब इसका यूज बहुत होता है। तो अब यहां पे बात होती है कि हमने यहां यहां से उठा के और यहां पेस्ट एज ए वैल्यू किया। मैं चाहता हूं कि जहां मेरा डेटा है, जहां मेरा डेटा है वो वहीं पे पेस्ट करे, फॉर्मूला को रिमूव कर दे, जैसे कि ऊपर तो इस एरिया को फॉर्मूला को रिमूव कर दे, मतलब कि हम इसको कॉपी करके कहीं और ले जाना नहीं चाहते, हम उसी एरिया को फॉर्मूला से रिमूव करना चाहते हैं। क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसी के ऊपर वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे। यूज हम लोग बहुत करते हैं ऑफिस में, कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको। इसके लिए मुझे एक रिपोर्ट ओपन करना होगा, ये कस्टमर सेल्स रिपोर्ट हम ओपन करते हैं। नहीं ये तो जैसे कि आपके सामने ये रिपोर्ट दिख रहा है, इस रिपोर्ट में बहुत सारे जगहों पे फॉर्मूला लगा हुआ है, लगा हुआ है सर,
जी बहुत सारे जगहों पे लगाया है, बहुत सारे जगहों पे लगाया है, बहुत सारे जगहों पे चार्ट भी है। अब मुझे ये फाइल किसी को मेल करनी है, तो अब मैं मेल करनी है तो बहुत सारे केसेस में हम डेटा मेल नहीं करना चाहते, जी या फिर मान लीजिए 8-10 शीट्स हैं, उसमें से मुझे किसी एक सीट का ही रिपोर्ट मेल करना है, किसी एक सीट का ही रिपोर्ट मेल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि इसको हम सेलेक्ट करें कॉपी पेस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि रो एंड कॉलम को अपने हिसाब से एडजस्ट किया गया। तो हम इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी कर लेते हैं। ऊपर यहां देखिए न्यू बुक दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, एक नई फाइल में आ जाएगा। आगे सर, बट जी अभी भी ये फॉर्मूला से लिंक है, मेरे जी सिस्टम पे दिख रहा है, बट आपके सिस्टम में हो सकता है ना दिखे, क्योंकि फॉर्मूला से लिंक है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे ओके और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। आप बोलेंगे सर ये चार्ट वार्ट दिक्कत नहीं होगी, हम पेस्ट एज ए वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू के अंदर की वैल्यू पेस्ट करेगा, चार्ट वार्ट को छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी तरह की छेड़छाड़ छेड़खानी नहीं करेगा, जस्ट फॉर्मूला को रिमूव कर देगा। ओके फॉर्मूला रिमूव, बोलेंगे सर क्लियर अब इसको सेव को सेव कीजिए, भेज दीजिए। तो पेस्ट के वैल्यू को इस तरह से भी यूज किया जाता है, लेकिन क्या होता है, इस बताने के पर्पस ये था कि तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी रिपोर्टों को एक एक करके एरिया वाइज एरिया पेस्ट करते हैं, इसलिए चलिए आगे बढ़े। जी अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि पेस्ट एज ए फॉर्मेटिंग, अगर आप सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेस्ट कीजिए। कमेंट, जैसे कि अगर आपने किसी ने इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट डाल रखा है, जैसे न्यू कमेंट, और यहाँ पे डाल दिया कि दिस मुझे सिर्फ कमेंट पेस्ट करना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, जहाँ पेस्ट करना है उस एरिया पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और हम यहाँ पे कमेंट एंड नोट कर देंगे, कमेंट इससे पेस्ट होगा। उसके अलावा अगला ऑप्शन है पेस्ट एज ए बॉर्डर, ये आपका नो बॉर्डर एक्सपेक्ट, पेस्ट एज ए एक्सपेक्ट बॉर्डर कि नो बॉर्डर, ये आपका पेस्ट कर देगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं ना सर, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एक पेज पे प्रिंट हो। अभी भी रिपोर्ट देखा था तो कॉलम की साइज अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था, जी लेकिन जब आप किसी डेटा को या किसी रिपोर्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसकी कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होती, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते समय। तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास यहाँ पे कॉलम विड्थ है, एंड ओके कीजिए, सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट करता है, डेटा नहीं। डेटा के लिए आपको दोबारा इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, या फिर जब पेज स्पेशल करते हैं तो ये आइकन्स होते हैं ना सर, इसी आइकन में ये आइकन है पेस्ट एज ए कीप सोर्स कॉलम विड्थ, और यहां राइट क्लिक करने से मतलब भी आपको आइकन मिलता है ये ना, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, डेटा भी आएगा। ये एक्सेस बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा हाँ विद डेटा विद फॉर्मेटिंग पिक्चर हर चीज आएगा, कॉलम की साइज भी आ जाएगी। जी ओके आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम डेट डालते हैं, डेट होता है। अब जब आप जब डेट को पेस्ट करते हो तो क्या होता है सर, पेस्ट जो वैल्यू देखिए आपने, हाँ पेस्ट ऑफ वैल्यू करेंगे तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर होता क्या है और क्यों कन्वर्ट होता है इसके जाने में बारे में जान लीजिए। पहले के नंबर जी
होता क्या है? आपने बताया था मुझे शायद, ये स्टार्टिंग डेट से नंबर ऑफ डेज काउंट करता है, जी हाँ, ये वन स्टार्टिंग वन डेट, नाइन हाँ 1190 से लेके है हाँ मतलब कि 1 जैन 1900 से अभी तक का नंबर ऑफ डेज काउंट करता डेज डेज है। काउंट करता है। हाँ, आप इसको साबित कैसे करेंगे? अब किसी को आपने बोला, नहीं यार क्या ये भी तो हो सकता है ना, साबित तो करना पड़ेगा। हाँ जैसे तो मान लीजिए वन हम यहाँ पे लिखेंगे जी और इसके ऊपर हम नंबर का फॉर्म भर देंगे, तो ये आपको 1 1 900 आ वन वन जाएगा। यस 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 ऐसे आप 31 डालें, चेंज हो रहा है, 33 डालें। ठीक नो अब चेंज हो गया यहाँ यहाँ पे इसी तरह से 367 डालें, ईयर चेंज हो गया। तो समझाना ही हाँ पड़ता है ना, इंटरव्यू बिल्कुल वगैरह में आप पूछ दिया तो कैसे शब्दाओ एक कैसे आप तो मन से बोल रहे हो, तो आपके जी पास दो ऑप्शन है, एक इस तरह से समझा दें या एक माइक्रोसॉफ्ट का जो कुछ आर्टिकल होगा इसके ऊपर, तो वो बताना पड़ेगा आपको। इट्स माइक्रोसॉफ्ट का बेटर आर्टिकल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा इट्स क्वेश्चन है कि बेटर ऐसा होता क्यों, ऐसा ठीक प्रोग्रामर ने किया क्यों? इसका रीजन ये है कि हम किसी भी वर्ड के साथ टेक्स्ट डाल देते हैं, तो इसके ऊपर हम किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बट डेट के ऊपर आपको दिखने में टेक्स्ट दिख रहा है बट इसमें जी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेट जो कैलकुलेशन जो हुआ है 1 जुलाई पे नहीं हुआ है, उस नंबर से कैलकुलेशन हुआ हुआ है उसका जो नंबर था, नंबर ऑफ नंबर डेज 4413 पे हुआ है, और यहाँ आपके सामने रिजल्ट जो आया 4433 आया। मतलब कि स्टैंड ये किया एक्चुअली जो स्टोर होता है वो नंबर स्टोर होता है, लेकिन जब हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो तो डेट में नंबर दे को कन्वर्ट कर देता है डेट सिस्टम में, ताकि हम इजीली उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, जी सर दूसरा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, हर तरह के फॉर्मेट्स को आप रिमूव कर दो, तो इसलिए रिमूव डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है उसको रिमूव कर देता है। तो दोबारा आपके पास दो रास्ते हैं, दोबारा इसके ऊपर अपना डेट का फॉर्मेट अप्लाई करो, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट हैश, या दूसरा तरीका है कि पेस्ट करते समय, जब आप पेस्ट करते हैं तो बिल्कुल पेस्ट करते समय यहां पे वैल्यू फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का यूज करें। ओके समझ गए? जी तो आपका डेट का फॉर्मेट, नंबर का जो फॉर्मेट होता है पेस्ट स्पेशल में, ये जो नंबर फॉर्मेट का मतलब हुआ कि आपका नंबर फॉर्मेट जिसमें से डेट ही नहीं आएगा, नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम परसेंटेज फ्रैक्शंस टैक्स स्पेशल कोई आपने लगा रखा है वो सब आएगा। ओके क्लियर है? यस चलिए आगे बढ़े। ओ श्योर अब ये हो गया, अब आगे चलते हैं इसमें। दूसरा है पेस्ट एज ए कैलकुलेशन, हमने आपने 3 20 और 30 लिखा है, अगर मैं 20 को कॉपी करूं 30 पे पेस्ट करूं तो 30 20 से रिप्लेस हो जाएगा, बिल्कुल तो अगर मैं इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, सॉरी इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल करूं, और पेस्ट स्पेशल करते समय अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए, ऑल लगा हुआ है, ऑल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जैसे कॉपी पेस्ट करते हो तो ऐसे बिल्कुल सिंपल। अब बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट नन होगा, मतलब कि नो एनी कैलकुलेशन, बट इसी में कैलकुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड सेलेक्ट कर लिया, तो आप 20 30 को रिप्लेस नहीं करेगा। इसमें आप ऐड कर रहे हैं हाँ, 20 और बट 30 वो को आपस में रिप्लेस करके और आपस में सम करके यहाँ पे ऐड कर देगा 50। बट ये वैल्यू में नहीं आएगा, ये सॉरी वैल्यू में आएगा ऐसे फॉर्मूले में नहीं आएगा, 50 वाला जो साल है मेरा हाँ, तो कैलकुलेट फॉर्मूला नहीं लगाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके डाल रहा है। कैलकुलेट करके बता देगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ फॉर्मूला है हमारा और यहाँ भी हमारा फॉर्मूला है,
समझ गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और इसमें ऐड करता हूं। यहां पे सिलेक्ट क्या है, ऑल सिलेक्ट है ना सर। ओके जी जी। तब अब क्या होगा कि 90 और 40 के बीच में कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट 120 होगा, लेकिन इन द फॉर्मूला। ओके ये भी फॉर्मूला में था, ये भी फॉर्मूला में था। मान लीजिए कि अगर आप पेस्ट स्पेशल करते समय अगर आप इसमें वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे तो यहां पे ऐड कीजिए, तो क्या होगा कि ये रिप्लेस नहीं करेगा। ओके इसका 40 का इसने सिर्फ वैल्यू उठाया लेकिन इसका फॉर्मूला रिप्लेस नहीं किया, फॉर्मूले के अंदर जाके ब्रैकेट में डाल के पेस्ट कर दिया जी। समझ गया जी। बट यहां से उसने वैल्यू उठाया तो फॉर्मूला करेंगे तो यहां का ही फॉर्मूला उठाएंगे, वैल्यू करेगा तो यहां का भी वैल्यू उठाएगा। क्लियर है? ओके क्लियर सर। कोई डाउट इसमें? इसमें मतलब जब हमने इसको एज ए पेश किया वैल्यू में जाके स्पेशल में जाके ऊपर से हमने फॉर्मूला लिया इधर वैल्यू में किया तो इसको फॉर्मूले को भी इसके जो ओ वाला जो हमारा सेल है उसका फॉर्मूला रखेगा इसको एज ए प्लस। एक काम कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, मैं दो मिनट का ब्रेक देता हूँ, ट्राई करके देखिए। मेरा होम स्क्रीन कैसा आएगा इसमें? एक आ गया। जी सर
सर हेलो हाँ हेलो, सर, हो गया सर, कर लिया आपने? हाँ सर, हाँ सर, मैंने चेक किया था। हाँ, तो कहने मतलब कि वैल्यू है तो वैल्यू में पे वैल्यू है तो उसके अंदर मतलब कि अगर नॉर्मल दोनों वैल्यू है तो रिजल्ट 10-50 लिख देगा, लेकिन एक फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है, अगर आपने दोनों फॉर्मूला सेलेक्ट किया है, दोनों का फॉर्मूला उठा के ब्रैकेट में डाल दे। अगर आपने वैल्यू सेलेक्ट किया तो एक जी का सिर्फ वैल्यू दूसरे के फॉर्मूले के ब्रैकेट में डाल देगा। फॉर्मूला ले लें जी। ठीक है, मतलब कि फॉर्मूला रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि जी नॉर्मल अगर आप कॉपी करके इस पे अगर आप वैल्यू पेस्ट करते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यू, और यहाँ पे आप नन रखते हैं, तो आपका 40 जो है 130 को रिप्लेस करके डाल दें। ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता है। अब तो ये तो हो गई भाई थ्योरिकल पार्ट, बट इसका ऑफिशियल यूज क्या है, इसको ऑफिस में आप कैसे यूज करेंगे, यहां पे बात आती है। आप क्या करें, अभी बैठ के इस पे रिसर्च करें, ठीक है, और मुझे इसके कम से कम एक या दो यूज बताया जिससे आपका टाइम और आपका चीजें कम हो गया।